नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि धातु के तीन घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उन्हें एक घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा कि धातु के कोई तीन घन हैं, उनको पिघलाकर एक घन बनाना है। तो जो धातु के तीन घन होंगे उनके आयतन का योग होगा वो एक बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो तीन घन हैं उनकी भुजा एक्स वाई जेड है। तो एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, वाई बराबर 4 सेंटीमीटर और जेड बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह धातु के तीन घन हैं जिनकी भुजाएं हैं। एक जो बड़ा घन बनेगा उसकी भुजा हम मान लेते हैं कि भुजा क्या है, ए है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो परिणामी घन होगा या बड़ा घन होगा, बड़े घन का आयतन किसके बराबर होगा? तीन घनों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन में फॉलो रहेगी कि जो हमारा परिणामी घन बनेगा, जो सबसे बड़ा घन बनेगा, उसका आयतन जो तीन घन धातु के हैं जिनको पिघलाया जा रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। अब बड़े घन की हमने भुजा ए माननी है, तो ए की पावर 3। अब तीन घनों के आयतन का योग कर देंगे हम। तो एक घन की भुजा है एक्स, तो एक्स की पावर 3। दूसरी घन की भुजा है वाई और तीसरी घन की भुजा है जेड। तो हमने एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3, ये तीनों कर दिया। ठीक है, अब यहां हमारे पास इनकी भुजाओं की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब, इसका है 4, तो 4 का क्यूब और ये है 5, तो 5 का क्यूब। अब 3 का क्यूब 3 × 9, 9 × 3 = 27, 4 का 4 × 16, 16 × 64 और 5 × 25, 25 × 125। ठीक है, ये तीनों का योग निकल के आया, तो 5, 4, 9 और 7 16 हो जाएगी, हासिल लगी 1। तो 3 × 6 = 9, 2 × 11 = 1, हासिल लगी 1 और 1 × 1 = 2। यानी यह इन तीनों का योग कितना निकल के आया? 216 है। ठीक है, अब 216 है तो a बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 216। 216 किसका गुणनखंड होता है? 6 × 6 × 6। तो भुजा हम निकालने बैठेंगे तो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही था। तो जो हमारा परिणामी घन बनेगा या बड़ा वाला घन बनेगा उसकी भुजा जो निकलेगी वह निकलेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आए कि कोई 1, 2 या 3, 4 जितने भी घन हो उनको पिघलाकर बड़ा घन बनाया जाए, तो हम उन सभी घनों के आयतन के योग को एक बड़े घन के आयतन के बराबर कर देते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। क्योंकि जो बड़ा घन बन रहा है उसमें उन तीनों घनों को मिलाया गया है, इसलिए उसके आयतन को हम जोड़ के उसके आयतन के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।